फैसलाबाद लाइट अस्पताल की ओपीडी में पीने का पानी खतरा पैदा करने लगा। चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर साकिब पानी पीकर बीमार पड़ गए हैं। अहम खबर है फैसलाबाद से, जहां लाइट अस्पताल की ओपीडी में पीने का पानी खतरा पैदा करने लगा है। चीफ फार्मासिस्ट हैं डॉक्टर साकिब, जो पानी पीकर बीमार पड़ गए हैं। ओपीडी में पीने का पानी खतरा पैदा करने लगा है। अहम खबर है चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर साकिब बीमार पड़ चुके हैं, वो ये पानी पीकर बीमार पड़े हैं। फैसलाबाद से अहम खबर है, जहां एलाइड अस्पताल की ओपीडी में पीने का पानी खतरात पैदा करने लगा है। पानी में फेनाइल का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, ये कहना है चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर साकिब का। एएमएस और ओपीडी की नाअहली की वजह से ऐसा हुआ, ये भी बताया साकिब भट्टी ने। इसी मुतालिक मज़ीद तफसील आ जानेंगे, जो हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा नईम दारा। जी नईम, बताइएगा डॉक्टर साकिब का मज़ीद क्या कहना था। जी बिल्कुल, ये अलाइड हॉस्पिटल की ओपीडी है, शोभा बिरूनी मरीजा। यहाँ पर ये सीनियर चीफ फार्मासिस्ट हैं साकिब भट्टी। सुबह ये अपने ऑफिस में पहुँचे और इन्होंने अपने ऑफिस बॉय को जब पानी के लिए कहा, तो वो यूज़ शुदा एक बोतल में पानी लेकर आए और उस पानी में जब उन्होंने वो पानी पिया, तो पानी पीने के साथ ही उनकी तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हुई, नासाज होना शुरू हुई और इसके बाद उनको जो है वो उनकी ट्रीटमेंट की गई और वो बीमार पड़ गए। और इसके साथ साथ सिर्फ ये ही नहीं बीमार हुए, बल्कि इनके साथ साथ पानी पिया था नई मसीह हैं, ये सेंट्री वर्कर हैं, ये भी इनके साथ उस वक्त मौजूद थे, और एक नर्स हैं अजीज़ बीबी, वो भी उस वक्त मौजूद थी, उन्होंने भी पानी पिया है। तो इन तीनों की जो तबीयत है वो नासाज हुई और नासाज होने के बाद इनको मेडिकल वार्ड में जो है वो दाखिल किया गया और वहाँ पर इनका इलाज किया गया। और ये सूरत हाल इनका ये कहना है, और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है चीफ फार्मासिस्ट साकिब भट्टी ने, जो एएमएस हैं इसके शुबा बिरूनी मरीजा के डॉक्टर राजा तारिक दिलजुआ, इनके हवाले से इनका ये कहना है कि चूंकि इनकी नेगलिजेंस है और ये चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है वो यहाँ पर नकारा हुआ पड़ा है, वो चेक नहीं करते जिस तरह की भी बोतल यहाँ। जी नईम दारा, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।